एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हाँ यस दिस इज फाइन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। बच्चों जो जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कंसेप्ट है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये दिस इज नॉट रिलेटेड विद द कोर्स नॉट विद द पेपर्स, बट दिस इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट सो दैट यू कैन इजली गेट द आइडिया। बच्चों आई हैव टेकन अ फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, हाउ इट्स ग्राफ लुक्स लाइक, इसका ग्राफ कैसे दिखता है। इट्स ग्राफ आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम इन द क्लास, इट लुक्स लाइक अ कप, लाइक इस तरह दिस कप, यू कैन सी दिस कप वेरी इजिली। ओके माई डियर स्टूडेंट, इफ सपोज हमसे पूछे कोई कि ये आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, ठीक है, अब बच्चों इसका डोमेन क्या है। अब मुझे आप लोग की तवज्जो चाहिए, मुझे आप लोग की तवज्जो चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप लोग की तवज्जो चाहिए। अच्छा अब मुझे तवज्जो आप लोग की हासिल हो गई, एक लिहाज से बहुत से स्टूडेंट की इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों अब देखो बात ऐसी है, बात ऐसी है कि इससे पहले जो मैंने आपको मिसाल दी थी वो एक वेरिएबल की थी। आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दैट वॉज आवर फंक्शन। सो हेयर एक्स दिस इज द यू नो इनपुट, सो योर डोमेन वॉज वन डायमेंशन, योर फंक्शन वेन यू हैव फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल योर डोमेन इज वन डायमेंशन, दिस इज योर डोमेन एंड योर वेरिएबल अप्रोच फ्रॉम टू ओनली टू साइड। आपके पास अगर एक पुल है तो पुल पर तो दो तरफ आ सकते हो ना, यू हैव अ ब्रिज, सो ऑन अ ब्रिज यू कैन जस्ट वॉक फ्रॉम टू साइड, फ्रॉम अदर साइड एंड फ्रॉम वन एंड फ्रॉम अदर एंड। बट सपोज इफ यू आर सिटिंग इन द रूम, रूम में आप किसी जगह किसी पॉइंट की तरफ जा रहे हो, यू हैव मेनी पाथ्स, फॉर एग्जाम्पल हेयर इन दिस दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ओके सो हेयर वट इज द डोमेन, दिस ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट दिस नाउ दिस प्लेन, दिस प्लेन। अब सपोज बच्चो अब आप लिमिट किसी, सपोज यू आर फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन इट्स अ सर्टन इनपुट, नाउ योर इनपुट इज नॉट अ नंबर बट इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब इस इनपुट की तरफ आने के लिए रास्ते करोड़ों रास्ते हैं, यू कैन अप्रोच यूअर ऑर्डर पेयर फ्रॉम दिस साइड, यू कैन अप्रोच फ्रॉम दिस साइड। आप एक पॉइंट की तरफ, अब कमरे में कोई कागज रख दो, कमरे में यू जस्ट प्लेस अ पीस ऑफ पेपर इन योर रूम, यू कैन वॉक टूवर्ड्स दैट पीस ऑफ पेपर फ्रॉम एनी साइड ऑफ योर रूम। अब चेक कर सकते हो, कोई कागज वगैरह रख दो, तो नाउ यू हैव अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड यू हैव मेनी पाथ्स ऑफ अप्रोचेस। तो अब इसका मैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपको किसी फंक्शन का लिमिट चेक करना है तो बहुत से रास्तों पर आपको आना होगा, एक रास्ते पर चेक नहीं करना होगा, ठीक है बच्चों। यू हैव मेनी वेज, यू हैव मेनी वेज टू कम टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो हेयर यू कैन सी वेरी क्लियर, यू नो बोथ एग्जाम्पल आर वेरी क्लियरली सेइंग टू यू, वेन यू हैव अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और आप किसी रियल नंबर पर इनपुट लिमिट तलाश कर रहे हो, यू हैव ओनली टू पाथ्स टू कम एंड टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। बट वेन यू हैव फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, योर डोमेन इज जस्ट वन डायमेंशन, यू कैन वॉक ओनली फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। बट वेन यूर फंक्शन इज ऑफ टू वेरिएबल लाइक दिस वन, सो किसी अब एक इनपुट पर अगर आप लिमिट तलाश करोगे तो यू आपके पास करोड़ों रास्ते हैं उसकी तरफ आने के लिए, लेफ्ट और राइट नहीं, करोड़ों रास्ते हैं उसकी तरफ जाएंगे आप और उस रास्तों से चेक करेंगे, तब आप फैसला कर सकेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अच्छा सपोज ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अब वो जो है
अच्छा बच्चों, अब लिमिट, सपोज हम इस फंक्शन का लिमिट तलाश करना चाहते हैं ना, वी आर गोइंग टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, और फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक सेवर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का फंक्शन है, और हमें इसका बिहेवियर जो है ना जीरो जीरो पर तलाश करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों बात ऐसी है कि ये आपका वाई, ये आपका जेड और ये आपका वाई है। ठीक है, तो अब जो है हम पहले इस, हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाते हैं, ठीक है, हम ये पाथ चूज कर देते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जब आपका एक्स एक्सिस आपका वेरिएबल जो है, यानी हम ऑर्डर्ड पेयर को, ये जो हमारा मेन ऑर्डर्ड पेयर है, हम ऑर्डर्ड पेयर को इस पाथ पर ले जाते हैं, क्योंकि लिमिट में तो आप अप्रोच करते हैं। तो सपोज मैं रास्ता चूज कर लेता हूँ कि भाई मैं एक्स एक्सिस पर जा रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पर आपका वाई जो है ऑर्डर्ड पेयर में वो जीरो हो जाता है, और आपका एक्स जो है वो एक्स वो जीरो के करीब जाता है। कैसे कैसे जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक्स एक्सिस पर खड़े हैं तो आपका एक्स यूनिट चेंज होता है 5, 4, 3, 2, 1, एक्स तो वेरी करता है और वाई बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्यों क्यों हम करते हैं? ताकि हम इस फंक्शन का, ग्राफ से नजर आ रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ग्राफ से तो नजर आ रहा है, मगर मैं इसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज एक्स एक्सिस पर जा रहा हूँ, सो एक्स एक्सिस पर जब मैं जा रहा हूँ तो अब कुछ इस तरह है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस अब हमारा जो लिमिट वाला ऊपर क्वेश्चन है तो वो बदल जाएगा। वाई तो उसमें बाई डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, वाई उसमें क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, और आपका आपका लिमिट वन वेरिएबल में बदल गया। तो अभी जो आपका आपके पास इसे आएगा वो कुछ इस तरह होगा, एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो। अच्छा, फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फंक्शन वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो यू विल गेट यूर एक्स स्क्वायर एंड यूर वाई स्क्वायर विल बी एक्चुअली बिकम जीरो, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर आ रहे हो और इसे आपके पास जवाब क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि हम अलॉन्ग वाई एक्सिस तलाश करते हैं, हमारे पास y एक्सिस आ गया, यहाँ y एक्सिस के लिहाज से चेक करते हैं। इसका y एक्सिस का क्या मतलब है, y एक्सिस का मतलब ये है कि हम इस रास्ते से आएंगे, वी विल कम ऑन y एक्सिस ऑन दिस वे, व्हाट हाउ द क्वेश्चन इज हाउ व्हाट, सो एक्चुअली आपका इनपुट जो है बच्चों वो ऑर्डर्ड पेयर है, योर इनपुट इज एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर x एंड y, दिस इज यूर इनपुट, ओके, ऑर्डर्ड पेयर आर द इनपुट्स इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सो वी से दैट वी अप्रोच दीज इनपुट्स टूवर्ड्स जीरो जीरो, बट वी जस्ट चूज द पाथ वाई एक्सिस द पाथ, ओके, सो वेन यू चूज दिस पाथ, अब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रास्ते से हम आएंगे और ऑर्डर्ड पेयर रिपोर्ट करेंगे, सो यू नो ऑन वाई एक्सिस यूर एक्स इज जीरो। लिमिट को तलाश करने के लिए बच्चों आपने पाथ को चूज करना होता है, और सारे पाथों से अगर एक जवाब आए तो हम कहते हैं कि लिमिट फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो y एक्सिस पर y जो है वो अप्रोच करता है और x बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, देखते हैं, थ्योरेटिकली देख लेते हैं। अच्छा, y एक्सिस पर कुछ इस तरह होगा कि यहाँ हमारे पास ये y हो जाएगा एंड हेयर वी विल हैव दिस जीरो एंड हेयर वी हैव y एंड हेयर वी हैव y, so here we have y and here we have zero, here we have y square and here of course we have zero. If you see that from these paths, from if you see, agar hum x axis par ja rahe the tab bhi function ka jawab zero aa gaya, y एक्सिस पर जा रहे थे तब भी फंक्शन का जवाब क्या आ गया, जीरो आ गया। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये स्टूडेंट कैन आस्क सर देयर आर मेनी पाथ्स, फॉर एग्जांपल ही कैन आस्क मी सर ये जीरो जीरो इधर है, मैं कहता हूँ ठीक है, वो कहते हैं सर सिर्फ ये रास्ता और ये रास्ता तो नहीं है और बहुत से रास्ते, मैं कहता कौन सा रास्ता, वो कहते सर ये वाला भी तो एक रास्ता है ना, वी कैन चूज दिस पाथ y इज इक्वल टू, ये भी तो एक रास्ता है ना सर, इस पर चेक कर लें, क्या पता जवाब मुख्तलिफ आ जाए, ये भी तो एक रास्ता है ना। और आप वो मुझे ये कह सकता है, स्टूडेंट मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने खुद बताया
के दो टू वेरिएबल यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में एक पॉइंट की तरफ आने के हजारों रास्ते हैं, तो y इज इक्वल टू x भी एक रास्ता है। दूसरा स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछे कि सर ये बताएं कि डोमेन हमें स्केच करके दिखाएं। मैं डोमेन स्केच करके, दिस वाज द डोमेन ओके ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन आपका क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द डोमेन इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द एंटायर प्लेन, यहाँ से आप इनपुट सपोर्ट करते हैं ना इसमें, तो पूरा ये सारा का सारा ये डोमेन है अब इस फंक्शन का। अब बच्चों पहले हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? पहले हमने ये एक्स एक्सिस का रास्ता इख्तियार किया। इस पर ऑर्डर पेयर रिमूव कर रही करते करते जीरो की तरफ आ गई। इनपुट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन ऑन दिस पाथ, देन वी टुगेदर वी चूज दिस पाथ वाई एक्सिस एंड यू नो इनपुट्स ऑर्डर पेयर, यू नो दिस वाज ऑर्डर पेयर, द इनपुट्स आर अप्रोचिंग। देन अ स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट ओके यू हैव चूज दिस टू पाथ्स but there is another path as well, y is equal to x, sir try this path, ki agar hum is raste se aaye ye kaun sa rasta hai, y is equal to x, try this path, shayad is par jawab mukhtalif aaye aur is raste par aakar aap origin ke kareeb aaye aur jawab check kare output ka kya behavior hai, to I am choosing this path y is equal to x aur hum origin ke kareeb aate hain, theek hai bachcho meri baat samajh aa rahi hai ki nahi, main example kar raha hu taki aapke zehen mein ek idea ho। जब हम when we were student we were not given such examples and just you know many things were not clear in that time, so example कुछ कुछ समझ आ रही है बच्चों आपको? कुछ कुछ समझ आ रही है आपको? एग्जाम्पल पर समझ आ रही है आपको बच्चों? Yes, sir. अच्छा अच्छा ओके बच्चों ओके ठीक है। अब हम ये वाला रास्ते इख्तियार करते हैं, देखो कि उस पर क्या पता कि फंक्शन का बिहेवियर जो है वो मुख्तलिफ आए, तो मैं वो वाला रास्ता लिख लेता हूं अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने कॉपी किया इसको ताकि मुझे आसानी हो, राइटिंग में आसान हो। अच्छा अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स, अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स ठीक है। अच्छा अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स तो आपका लिमिट बदल जाएगा बच्चों। अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स वाले केस में आप इस तरह कर लेना, ये व्हाट आर वी डूइंग, सपोज इफ यू हैव क्वेश्चन व्हाट आर वी डूइंग, माय डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू गिव यू एट लीस्ट वन एग्जांपल, एक यार फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का लिमिट कैसे तलाश करते हैं। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का एक मिसाल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाउ वी फाइंड इट्स लिमिट, एट लीस्ट वी शुड नो दैट बिफोर वी स्टार्ट दैट क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो आई एम गोइंग टू टीच यू एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑन दैट, so you should know at least something before we jump into that topic. Now we choose y is equal to x. Y is equal to x ko bacho ek variable ko dusre se badal do, matlab x ko x y se ya y ko x, so you have ek ko dusre se badal do bas, jo aapki marzi। I have replaced x by y by x, and of course you have zero in that case as well. So, but you can see if you choose any path, for example, if you choose this path, x axis उस पर भी function का output same आ रहा है, ठीक है रुझान same आ रहा है, y axis पर भी same आ रहा है, और y is equal to x पर भी। अब एक student कह रहा नहीं सर, तो आपने खुद कहा है कि हजारों there are many paths. वो स्टूडेंट टेल मी नाउ सर, यू हैव टोल्ड अस देयर आर मेनी पाथ्स टू अप्रोच टुवर्ड्स अ फिक्स इनपुट, नाउ सर ट्राई द पैराबोलिक पाथ, ट्राई सर पैराबोलिक पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सर ट्राई y इज इक्वल टू ट्राई दिस पाथ, इस रास्ते पर आकर आपका जो इनपुट है ना, इनपुट आपका क्या है बच्चों एक्स वाई, दिस रिप्रेजेंट द इनपुट ओके, एंड ही इज सेइंग टू मी, द स्टूडेंट इज सेइंग टू मी एंड यू आर वी आर कमिंग टुवर्ड्स द फिक्स input 0 0, and he is telling to me sir try parabolic path and find the limit, maybe at this path we get different answer, aur hum ye keh sakte hain ki limit exist nahi karta। student mujhe keh sir parabolic path try kar le, chale wo bhi try kar lete hain ki aapka sahi practice ho jaye, parabolic path par chalte hain aur check karte hain ki answer same aa raha hai ki nahi, so let us try the answer along the parabolic path, पैराबोलिक पाथ यू हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नाउ यू हैव यू नीड टू फाइंड दिस लिमिट, ये आपका वो लिमिट है जिसको आपने तलाश करना है ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा y आपका तब्दील हो जाएगा x में, सिंपली
change y into x square. Now, you have x4 over here because of x square square. Am I right? Yes. Here you have x4. And here again you get 0. You can see. So if you choose even this path, agar aap ye is domain mein is path par graph ki taraf chalte hain, shayad wahan se kisi student ko clear ho jaye. First we choose x axis, then we choose y axis, we choose this path, then we choose y is equal to x, then we choose parabolic paths, then we choose parabolic, and in all these paths we observed that the limiting value is the same. Jis hi raste pe isme tum aao, student keh raha nahi sir try cubic path. Student is saying, no sir, you have told to us you can try any path, koi bhi rasta aap muntakhib kar sakte ho. Sir parabolic cubic path choose kar lein, y is equal to x cube, sir is par try kar lein, shayad is par jawab mukhtalif aa jaye, maybe we get different answer at this path. And you can do it yourself by simply, you know, simply replacing here cube, here you will have cube, here you have your cube, here you have 6, and here you have 0 again. So mean that in any path the behavior of this function is the same, so mean its limit is 0. So finally we can write this is equal to 0, you can say. ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है कि हम किस तरह फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट तलाश करते हैं. यू हैव मेनी पाथ्स, यू नीड टू चेक मेनी पाथ्स, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन डिसाइड कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देन वी डिसाइड वेदर इट्स लिमिट एग्जिस्ट और नॉट.